बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा यूनिट नंबर 9 चल रहा था और उसके हम आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पेज नंबर है 77। गिव शॉर्ट आंसर्स। डिस्क्राइब एनी थ्री इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। हमने अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होते हैं उनके कोई से तीन प्रॉब्लम बताने हैं इकोनॉमिक, जो कि उनको अंडर डेवलप्ड कर देते हैं। इसके लिए आप पेज नंबर 74 पर आए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की हेडिंग है, आपने हेडिंग को ऐड नहीं करना। इसकी फर्स्ट थ्री पॉइंट्स ऐड कर लें। जस्ट इसके थ्री उसने हमसे मांगी हैं रीजंस, तो थ्री प्रॉब्लम्स ही हम उसको बताएंगे। यहाँ पे 8 हैं, इनमें से आप जो है वो थ्री कर लें। लास्ट भी आप थ्री कर सकते हैं और शुरू के तीन भी कर सकते हैं, कोई से तीन इनमें से लाजमी होने चाहिए। नेम फोर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच प्ले देयर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने, पेज नंबर 74, हेडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हेडिंग देंगे। उसके बाद तीन पॉइंट आप लिखेंगे, 8 में से शुरू के तीन पॉइंट ऐड कर लें या 8 में से लास्ट के तीन पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन 1 का ये आंसर है। इसके बाद है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेम फोर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच प्ले देयर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ज्योग्राफिकल फैक्टर बताने हैं जो कि किसी कंट्री को डेवलप को प्रमोट करते हैं। इसके लिए आपको पेज नंबर 73 पर आना होगा। जी, पेज नंबर 73। इसके लिए हेडिंग है ज्योग्राफिकल फैक्टर विच प्रमोट डेवलपमेंट। ये हेडिंग ऐड करेंगे आप और इसमें से लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे 4 इनमें से ऐड कर लेने हैं आपने। बल्कि इन 4 को डिस्कस करने के लिए हमें ये पूरा पैरा ऐड करना पड़ेगा। लास्ट लाइन को ड्रॉप कर दें, फर्स्ट 3.5 लाइन इसमें ऐड कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसके आंसर के लिए पेज नंबर 73, हेडिंग है ज्योग्राफिकल फैक्ट्स विच प्रमोट डेवलपमेंट और उसकी फर्स्ट 3 लाइंस आप कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब एनी 3 सोशल प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। कोई से 3 सोशल प्रॉब्लम डिस्कस करनी है अंडर डेवलप कंट्रीज के। इसके आंसर के लिए आपको पेज नंबर 74 पर आना होगा। और इसके फर्स्ट 3 कर ले या लास्ट 3 पॉइंट्स में से सोशल प्रॉब्लम में से आप ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट 3 कर लें या लास्ट 3 कर लें। पेज नंबर
फोर पर इसका आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर थ्री का। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, डिस्क्राइब एनी थ्री सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और इसका आंसर है पेज नंबर 74। यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होते हैं सोशल प्रॉब्लम की हेडिंग देने के बाद। आप पहले तीन प्रॉब्लम ऐड कर सकते हैं या फिर सेकंड वाले तीन प्रॉब्लम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जी, हाईलाइट कर लिया, लिख लिया, ब्रैकेट लगा ली। चौथा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, व्हाट इज मीन बाय अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तरक्की पजीर मुल्क से क्या मुराद है। इसके आंसर के लिए आपको पेज नंबर 72 पर आना होगा। पेज नंबर 72 की सेकंड हेडिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की हेडिंग है। आप हेडिंग भी उठाएंगे, हेडिंग उठाने के बाद आप इसकी फर्स्ट टू लाइंस, फर्स्ट टू सेंटेंसेस इसको आप कवर करेंगे। द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर दोज नेशन विच आर फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली वीक। द बेसिस कॉज ऑफ देयर अंडर डेवलपमेंट इज रोल ऑफ मिसमैनेजमेंट। यहाँ तक यानी आपकी बुक है तो ये अढ़ाई लाइनें बनेंगी, लेकिन बेसिकली ये दो सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस वीक पे कवर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, दूसरा मिसमैनेजमेंट पे ख़त्म हो रहा है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है पेज नंबर 72 पर। हेडिंग समेत आपने लिखना है, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज की हेडिंग लिख देंगे, उसके बाद आप इसकी अढ़ाई लाइनें हाईलाइट करें, ब्रैकेट करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। शनाख्त बतानी है जी हमने उसको, तरक्की याफ्ता ममालिक की शनाख्त बतानी है। इसके लिए भी आपको आना होगा पेज नंबर 72 पर। आप स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 72 डेवलप्ड कंट्रीज की हेडिंग की सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करें, हाई लिटरेसी रेट, हाई लिटरेसी रेट, यहां से ब्रैकेट लगाएं, और इसी सेंटेंस को जब क्लोज हो रहा है, दीज कंट्रीज हाई लिटरेसी रेट, हाई ग्रॉस नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम एंड यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज आर द सेलेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज कंट्रीज। यहाँ तक ये इसका आंसर है जी, कि डेवलप्ड कंट्रीज की क्या अलामत होती हैं शनाख्त। के बाद पांचवा आपने शॉर्ट क्वेश्चन हाईलाइट कर लिया, पेज नंबर 72 की फर्स्ट हेडिंग की सेकंड लाइन। ये पांच हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आज हमने कवर किए, जिनको जो है ना मैंने पेज वाइज और लाइन वाइज आपको काउंट करवाया, पेज नंबर बताया, उसके बाद आपको लाइन नंबर बताई, और इसको हाईलाइट किया है हमने। आपकी डायरी है, आप इन जो पांच शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इन्हीं को आपने जो बुक पे हाईलाइट किया है, बुक की तस्वीर भी बना के मुझे भेजें, और फिर इनको नोट करके मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। कल तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।